Hello students, this is ushra Shabir, teacher of Freshbird School, and today I am going to teach you chapter 16, My Heaven. This poem has been written before independence. Okay. So who is its poet? Its poet is Rabindranath Tagore. And this poem is a form of a prayer. Okay, My Heaven is a form of a prayer. It has been written as a form of a prayer. And in this poem the poet wish to build the nation which have all these things what are these things we'll get ye hum poem mein janenge okay we'll get into the poem so is poem name the poet है वो हमें ये बता वो pray कर रहे होते हैं गॉड से कि उनकी जो कंट्री में जितने भी लोग हैं वो लोग फेयरलेस हो जाए वो किसी भी चीज़ से खौफ ना आए उन्हें डर ना लगे और ये जो सोसाइटी है जहाँ हम रह रहे हैं ये किसी भी ची किसी भी चीज़ों में डिवाइड ना हो ना ये कास्ट में डिवाइड हो और ना ही लैंग्वेज में डिवाइड हो और ना ही रीजन रिलीजन में डिवाइड हो जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे होंगे वो सब एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं सो लेट्स बिगिन विद द पोम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर फेयर मीन्स यू नो फेयर मीस टेर डर ठीक है सो यहाँ पर पोइट जो है हमारे वो ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो ये विश करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन सब के मन में किसी भी तरह का खौफ ना हो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्थ हाई वेयर द नॉलेज इज़ फ्री वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स सो इन दिस फोर फर्स्ट फोर लाइन्स पोइट ये बता रहे हैं कि जहाँ पे ऐसा सबका माइंड सेट होना चाहिए जिसमें खौफ ना हो और जितने भी लोग हैं वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और प्राइड के साथ अपनी लाइफ को जिए नॉलेज इज़ फ्री वेयर नॉलेज इज़ गिवन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड विच इज़ एंडलेस वो ऐसा विश कर रहे होते हैं कि उनके नेशन में ये सब हो वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन इन टू फ्रेगमेंस जहाँ पे इस दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में यू you नो know, दुनिया में किसी भी कोने में फ्रेगमेंट्स में ये वर्ल्ड ब्रोकन ना हो फ्रेगमेंट्स मीन्स वही डोमेस्टिक नैरो डोमेस्टिक जो थाट्स होते हैं जिसे हम बताएं कास्ट में लैंग्वेज में रिलीजन में इन सब चीज़ों में दुनिया को तोड़ा ना जाए लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स इज मीन्स ए मेटेलिटी जो सबकी सोच है वो नैरो ना हो वो ब्रॉड हो ठीक है वेअर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप ऑफ द ट्रूथ यहाँ पे पोइट ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ना बोले एक्सेप्ट द ट्रूथ मतलब जो भी बोले एक राइट पाथ में फॉलो करें झूठ ना बोले सब तेह दिल से सच बोले जितने भी वर्ड सबके मुँह से निकल रहे हो सब सच हो ठीक है वेअर चायलेस स्टारविंग स्ट्रीविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूअर्ट परफेक्शन वेअर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द डेयर डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट ओके यहाँ पे एक पॉइंट ये बता रहे हैं कि जितने भी लोग वो हमें क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं सब हार्ड वर्क करें दे विल वर्क हार्ड एंड लेड देयर आर्म्स टूअ परफेक्शंस और जितना वो वर्क वो, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी ही परफेक्शन्स आएंगे ओके वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज़ नॉट इट लॉस्ट इट्स वे मतलब यहाँ पर जितने भी uh, सबके यहाँ पे एक एक्चुअली यहाँ पे एक मेटाफर है वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे एंड टू द डेयरी डिजर्ट्स एंड सैंड ऑफ दैट हैबिट्स देयर इज अ मेटाफर यहाँ पे ये यह बताया जा रहा है कि एक्सप्लेनेशंस में बैलेंस होना चाहिए यू नो जैसे कि जितने भी रीजन्स दे दे रहे होंगे लोग जो भी क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन्स होगा वो कहीं पर भी जाके ख़त्म नहीं होना चाहिए दे शुड हैव अ देट यू नो लॉजिकल पावर होना चाहिए इन टू द डेयरी डिजर्ट्स सैंड ऑफ सैंड ऑफ़ डेड हैबिट्स ठीक है इन टू दैट डल डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स डेड हैबिट्स यहाँ पे ये बता रहा है वो सारे कल्चरल कस्टम्स ट्रेडिशंस वो ओल्ड हैबिट्स जो हमारे इंडिया में बहुत जगह में फॉलो होते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं तो वो सारे ओल्ड uh, कस्टम्स को कल्चर्स को डेड हैबिट्स बोला गया है ओके

उन सब के सोच में और उन सब के एक्शंस में देर शुड बी नॉट अ नैरो थिंकिंग देर नैरो थिंकिंग देर शुड बी अ ब्रॉड थिंकिंग ओके उन सब के थिंकिंग को ब्रॉड होना चाहिए इन टू हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री ऑफ एंड एज़ आई सेट कि ये एक प्रे फॉर्म में प्रेयर है मीन्स लाइक दिस पोम इज़ इन अ फॉर्म ऑफ प्रेयर सो यहाँ पे वो क्या विश कर रहे होते हैं गॉड से वो ये विश करते हैं कि दिस इज़ आवर कंट्री एंड लेट माई कंट्री अ वे बाय द सेक ऑफ गॉड हाँ इन टू द राइट वे टू बी लाइक हेवन लाइक इट दिस दिस ऑल थिंग्स इज शुड भी लेड लाइक हेवन एक जन्नत की तरह हमें अपनी लाइफ को लीड ऑन करना चाहिए विदाउट बींग फेयरलेस विद हैविंग ऑल द परफेक्शन्स अपने अंदर में सारे परफेक्शन्स रखते हुए सारे हार्ड वर्कस करते हुए सारे अवेयरनेस के साथ